आज हम पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्राम टू राइट कॉमन डाटा टू मल्टीपल फाइल्स। मतलब क्या हम कॉमन डाटा मल्टीपल फाइल्स में कैसे डाटा लिखते हैं, राइट करते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यह हमारा जावा प्रोग्राम है। ये हमारा ए डॉट टी एक्स टी फाइल, देन बी डॉट टी एक्स टी फाइल, सी डॉट टी एक्स टी फाइल एंड डी डॉट टी एक्स टी फाइल। ये हमारे चार फाइल्स हैं हमारे जावा प्रोग्राम में से, ठीक है। तो कॉमन डाटा ये चारों फाइल में हमें राइट करना है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट प्लस ओपन कर लेता हूँ, फाइल न्यू, देन जावा, क्लास नेम रखते थे राइट डेमो। तो हम फर्स्टली क्रिएट करेंगे कैर अरे, राइटर का ऑब्जेक्ट, कैर अरे राइटर सी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू कैर अरे राइटर। ओके, ये हमारा कैर अरे राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन ये कैर अरे पे हम मेथड कॉल करेंगे राइट मेथड। तो राइट मेथड में हम लिखने वाले हैं जो हमें कॉमन डाटा लेके ए डॉट टी एक्स टी फाइल, बी डॉट टी एक्स टी फाइल, सी डॉट टी एक्स टी फाइल एंड डी डॉट टी एक्स टी फाइल, इन्हें चार ही महीने के कॉमन डाटा लिखना है। वो यहाँ पे पास कर रहे हैं वेलकम टू द उत्तम सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो इससे क्या होगा, जैसे ही लेके हमने क्या कैर अरे राइटर पे राइट मेथड कॉल करेंगे, ने क्या राइटर में ने क्या ये वाला डाटा क्या होगा राइट हो जाएगा। ओके, देन अभी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, हमारा जो कैर अरे राइटर है ना किसी फाइल के साथ नहीं क्या कम्युनिकेट नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, तो इसलिए हमें क्या न्यू मतलब हमें अलग राइटर यूज करना पड़ेगा। सो दैट मैं आई एम यूजिंग ने क्या फाइल राइटर एफ वन इक्वल टू न्यू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करने वाले फाइल नेम दैट इज ए डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, तो इससे क्या होगा, क्या बोलते मतलब फाइल राइटर ने क्या रिप्रेजेंट किसे करेगा ए डॉट टी एक्स टी फाइल, अगर ऑलरेडी है तो उसमें राइट डाटा होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा मतलब फाइल क्रिएट करेगा फाइल राइटर। ओके, ए डॉट टी एक्स टी फाइल। देन मैं और एक राइटर क्रिएट करने वाला हूँ, कैर अरे राइटर पे कौन सी मेथड कॉल करेंगे राइट टू मेथड, ठीक है, राइट टू मेथड कॉल करेंगे और इसमें पास करने वाले हम एफ वन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, राइट कंटेंट ऑफ द बफर, राइट कंटेंट ऑफ द बफर टू एनी स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे जो हमने फाइल राइटर यूज किया ना तो टू फाइल राइटर कर लेते फाइल राइटर। ओके, तो देखिए ये राइट टू मेथड है ना कैर अरे राइटर में के, ये क्या जो कैर अरे राइटर में जो डाटा बफर में जो डाटा है वो किस में लिखेगा, जो हमने स्पेसिफाई किया है ना यहाँ पे राइटर उसमें क्या हो जाएगा डाटा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से तो हमारा जो एफ वन राइटर है ना ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसे पॉइंट कर रहा है ए डॉट टी एक्स टी फाइल, तो डाटा किस में लिखा जाएगा ए डॉट टी एक्स टी फाइल में लिखा जाएगा। तो सेम अप्रोच से हम क्या कर लेते हैं, दूसरा फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल राइटर एफ टू इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और इसमें फाइल नेम क्या पास करेंगे फाइल राइटर, और यहाँ पे हम पास करेंगे बी डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ कैर राइटर पे कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा राइट टू मेथड, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा दैट इज कौन सा राइटर दैट इज एफ टू राइटर पास कर दिए, जो भी नहीं किया हमारा कैर राइटर के बफर में जो डाटा है दैट इज वेलकम टू द उत्तम सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो किसमें लिखा जाएगा दैट इज अ फाइल राइटर एफ टू। ठीक है, सेम अप्रोच से हमें क्या और फिर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा दैट इज अ फाइल राइटर एफ थ्री इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट फाइल नेम पास करना पड़ेगा दैट इज सी डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, देन सेमी कॉल, सेम सिमिलर लिखा है कैर राइटर राइटर पे कौन से मेथड कॉल करना पड़ेगा राइट टू मेथड, और यहाँ हमें पास करना पड़ेगा दैट इज एफ थ्री, ठीक है, फाइल राइटर का रेफरेंस। सिमिलरली आई विल क्रिएट द फाइल राइटर फोर एफ फोर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे हमें फाइल नेम पास करना पड़ेगा डी डॉट टी एक्स टी फाइल, देन सेमी कॉलन, देन कैर अरे राइटर पे कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा हम राइट टू मेथड, और यहाँ पे हमें क्या फाइल राइटर का एफ फोर रेफरेंस पास करना पड़ेगा। इन दिस में हमें नहीं किया क्या कॉमन डाटा हमें चार ही फाइल में लिख दिया, देन आई विल फिर नहीं क्या हमने जो फाइल राइटर ओपन किया है कौन से एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर इन्हें क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा एफ वन डॉट क्लोज, ओके, देन एफ टू डॉट क्लोज, एफ थ्री डॉट क्लोज, हमने क्या सभी राइटर पे दैट इज अ फाइल राइटर पे हमने क्या क्लोज मेथड कॉल कर लिया, सो दैट नहीं क्या क्लोज हो जाएगा। ओके, तो एक सवाल ऐसा आता है कि हमने क्या कैरियर राइटर पे क्यों नहीं किया, कि कैरियर राइटर पे हमने क्या
क्लोज मेथड कॉल भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कैरियर राइटर ने क्या किसी फाइल से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए देन यहाँ पे हमें लेके मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैसेज लेके क्या कर देता हूँ, सक्सेस करके मैसेज। ओके ये हो गया हमारा प्रोग्राम, देन इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, सेव देन क्या राइट डेमो डॉट जाव। तो देखिए मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डी ड्राइव में, देयर इज अ फाइल हैंडलिंग फोल्डर, यहाँ पे लेकर फाइल सेव कर रहा हूँ राइट डेमो डॉट जावा देन सेव। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ, डी ड्राइव देयर इज अ फाइल हैंडलिंग फोल्डर, यहाँ पे कोई नहीं क्या ए बी सी, कोई नहीं क्या ऐसे ए डॉट टी एक्स टी फाइल बी डॉट टी एक्स टी फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम प्रोग्राम तो सेव हो गया, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, देन क्या हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में जाएंगे सी डी फाइल हैंडलिंग, ठीक है डी ड्राइव में हमने क्या फाइल हैंडलिंग फोल्डर में चले गए, कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है जावा सी राइट डेमो डॉट जावा, देन क्या कर लेते हैं रन कर लेते हैं जावा राइट डेमो। तो हमें पे मैसेज क्या आ गया, सक्सेस मैसेज आ गया है। तो देखिए मैं आपको ए डॉट टी एक्स टी फाइल वगैरह सभी दिखा देता हूँ, चारों फाइल। तो यहाँ पे देखिए चारों फाइल क्रिएट हो गए, देखिए यहाँ पे डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग फोल्डर ए बी सी डी, ओके चारों फाइल क्रिएट हो गए। देखिए मैं ए डॉट टी एक्स टी फाइल आपको शो कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ए डॉट टी एक्स टी फाइल, यहाँ पे आउटपुट आ गया वेलकम टू उत्तम फोर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। ओके सिमिलरली आई विल ओपन अ बी डॉट टी एक्स टी फाइल, देखिए यहाँ पे बी डॉट टी एक्स टी फाइल तो कॉमन डाटा राइट हो गया। सिमिलरली सी डॉट टी एक्स टी फाइल, यहाँ पे देखिए सी, ओके वेलकम टू उत्तम फोर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे डी डॉट वेलकम टू उत्तम फोर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो मैं आपको चारों फाइल ने क्या एक साथ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने क्या मतलब मल्टीपल फाइल में कॉमन डाटा लिख सकते हैं यूजिंग कैरियर राइटर। तो किस तरह से किस अप्रोच से हमने ये दिखा, देखिए देखिए ए डॉट टी एक्स टी फाइल बी डॉट टी एक्स टी फाइल सी डॉट टी एक्स टी फाइल डी डॉट टी एक्स टी फाइल, चारों फाइल मल्टीपल फाइल्स में हमने क्या कॉमन डाटा लिख सकते यूजिंग कैरियर राइटर, ये हमारा अप्रोच हो गया। तो जावा प्रोग्राम टू राइट कॉमन डाटा टू मल्टीपल फाइल, इन दिस वे वी कैन राइट अ कॉमन डाटा टू मल्टीपल फाइल। थैंक यू।